फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता की स्थालिका। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ममता। आज मैं ममता स्टाइल पाव भाजी बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल अलग है, आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। जो ये पाव भाजी है, मैं किसी को बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये मैं स्ट्रीट स्टाइल बना रही हूँ, मैं बॉम्बे स्टाइल बना रही हूँ। ये मेरा स्टाइल है और बिल्कुल अलग है, और आप इसे इसलिए मिस नहीं कर सकते कि ये चार स्टेप में बनाऊंगी। आपको चारों स्टेप बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ममता स्टाइल पाव भाजी। ये देखिए, सारी जो सब्जियां हैं मैंने साफ करके छील के और काट ली हैं। ये गाजर भी है, एक और एक गाजर मैं काट चुकी हूँ, और मैं ये गर्म पानी कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, ये इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और अब इसमें मैं गर्म पानी डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छे से वेजिटेबल क्लीन हो जाएंगी। लेकिन इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले, अदरक नहीं डाला है और हरी मिर्च नहीं डाली। ये देखिए, ये मैंने पानी गर्म कर लिया था और ये मैं इसमें डाल। ये देखिए, सब्जियां बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने बड़े भगोने में पलट दी। और ये देखिए, बच्चों को ना आलू बहुत पसंद होता है तो इसलिए मैं एक आलू जरूर डालती हूँ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पाव भाजी में। कमिट नहीं करती कि स्ट्रीट वेंडर कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। ये मेरा अपना वो है, अपनी बनाई हुई रेसिपी है। ये देखिए, मैंने देसी घी को मेल्ट कर लिया है और ये मैं देसी घी डाल रही हूँ। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें क्यूमिन सीड डाल रही हूँ। इसमें मैं ये देखिए हींग डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने बड़ा बड़ा चॉप किया अदरक, क्योंकि अभी मैं इसको बाद में मैश होगी। ये देखिए, अदरक डाल रही हूँ, ये मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है निकल के, एरोमा बहुत अच्छा आ रहा है अदरक का, हरी मिर्च का। ये देखिए, हल्दी डाल रही हूँ, सॉल्ट बाद में एडजस्ट करूँगी एज पर टेस्ट, एज पर हेल्थ, पर अभी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। मैं ये देखिए, सौंफ धनिया का पाउडर डाल रही हूँ, फ्रेश कुटा हुआ। ये थोड़ी सी रेड चिली डाल रही हूँ। अभी ये देखिए, ये मैंने चॉप करके टोमेटोज रखे हैं, उसमें नहीं डाले, ये मैं इसमें डाल। और अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी। ये देखिए, 1/2 टीस्पून मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। ये देखिए, इतना सा मैं इसमें वाटर डाल रही हूँ ताकि मसाले मेरे जले नहीं। जनरली क्या होता है, सब्जियाँ सारी बॉईल कर ली जाती हैं, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है। इसमें मैं थोड़े थोड़े मसाले इसलिए डालती हूँ और इसलिए छौंक लगा के बनाती हूँ कि सारी सब्जियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, पाव भाजी का भी, सब चीज का। ये देखिए, अब मैं ये आलू डाल रही हूँ। ये देखिए, आलू डाल के मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर दिए हैं, आलू भी इसमें फ्राई हो चुके हैं पाव भाजी मसाले में। अब ये देखिए, मैं ये वेजिटेबल्स डाल रही हूँ और थोड़ी थोड़ी डाल के मैं फ्राई करती जाऊँगी। आप वेजिटेबल अपनी इच्छा से ले सकते हैं, पर मैं फूल गोभी, मटर, आलू, गाजर जरूर डालती हूँ। देखिए, अब मैं पाव भाजी की एक तरी तैयार करती हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है पाव भाजी में। मैंने पैन रख दिया है, पैन गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला है, ये अमचूर पाउडर है, ये 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, ये 1 टीस्पून इसमें है धनिया, सौंफ और जीरा, और ये हल्दी है, और ये मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नीचे मैंने पैन को देसी घी से ब्रश कर लिया है और अब ये मैं मक्खन डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने मसाले आपको दिखाने के लिए अलग अलग लिए थे, आप एक बोल में भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं क्यूमिन सीड डाल रही हूँ। अब ये देखिए, ये जितने मसाले हैं मैं सारे मसाले डालूंगी। देखिए, अब हम इसको बहुत अच्छे से, मसाले को जलना नहीं चाहिए, इतना मक्खन और घी होना चाहिए कि जले ना। और ये देखिए, हम इसे अच्छे से ऐसे भूनेंगे। देखिए, अब हम ये टमाटर, ये देखिए, अब हम इसे भूनेंगे जब तक कि इसमें से मक्खन बाहर नहीं आ जाएगा। ये देखिए, ये जो हम ग्रेवी बना रहे हैं ना, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जब हम भाजी बनाते हैं, और इसका वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब देखिए, मैं क्या करूँगी, बहुत अच्छे से देखिए बॉयल आ रहा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ वीडियो। देखिए कितना अच्छा बॉयल आ रहा है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए जितने हमने टमाटर लिए थे उतना ही हम इसमें वाटर डालेंगे। देखिए, अब इस ग्रेवी को मैं कवर कर दूंगी एक बॉयल आने तक, और बॉयल आने के, कि मसाला बहुत अच्छे से भून चुकी हूँ, तो अब इसे 1-2 बॉयल आने तक इसे कवर कर दूंगी और इसको फिर मैं अलग निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। आपने देखा, जनरली भाजी काटी जाती है और उसे बॉयल किया जाता है, लेकिन उसमें मैंने
मसाले लेने थे उनको मैंने डिवाइड कर लिया, क्योंकि मेरे चार स्टेप हैं। और याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ सॉल्ट एज पर टेस्ट एज पर हेल्थ। तो पहले स्टेप में आपने देखा मैंने सब्जियां यूं ही बॉयल नहीं करी, मैंने उनमें मसाले डाल के जैसे कि हम छौंक लगाते हैं वैसे मैंने सब्जियों को छौंका और उसके बाद मैश किया। अच्छा, दूसरा स्टेप कितना इम्पोर्टेंट था आपने देखा ना कि मैंने पाव भाजी की ग्रेवी तैयार करी। तो चलिए तीसरे स्टेप के लिए और चौथे स्टेप के लिए आपको अभी पाव भाजी पूरी देखनी पड़ेगी, छोड़ के मत जाइएगा। फिर मत कहना ममता ने बताया नहीं, ममता ने बहुत अच्छे से बताया कि चार स्टेप है और चारों स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड है। ये देखिए, ये जो ग्रेवी मैंने बनाई थी ये बॉयल आने के बाद मैंने इसमें निकाल लिया है, उसी पैन को रख दिया, कुछ नहीं कराया उस पैन में। अब आप देखिए इसमें मैं मक्खन डाल रही हूँ। ये देखिए कुकर मैं खोलती हूँ और ये देखिए कुकर खोलने के बाद ये देखिए पाव भाजी मैशर है, इससे थोड़ा सा मैश कर देती हूँ। देखिए मक्खन मेल्ट हो चुका है, फिर से क्यूमिन सीड डाल रही हूँ। ये देखिए ये मैंने क्यूमिन सीड डाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए जो मैंने कैप्सिकम थी एक कैप्सिकम को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया, अब मैं इसको फ्राई करूँगा। देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रही है और इसी के बीच में हल्दी डालूंगी। अब मैं आपको बताती चलती हूँ कि मैंने अपने मसाले तीन पोर्शन में डिवाइड कर लिए, क्योंकि मैं तीन पोर्शन में बना रही हूँ। ये देखिए मैं सौंफ और धनिए का पाउडर डाल रही हूँ, कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब ये जो वेजिटेबल हैं अब मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी, सॉल्ट, फिर कहूँगी एज पर टेस्ट एज पर हेल्थ। अब देखिए इसे पहले मैं अच्छे से इसे मिला लूँगी। अब ये देखिए फिर से मैं इतना मक्खन डाल रही हूँ, पाव भाजी बिना मक्खन के नहीं बन सकती, अमूल मक्खन डाला है मैंने। और ये देखिए अब ये पाव भाजी मैशर का काम शुरू हो जाएगा। ये देखिए भाजी बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद मक्खन में अब हम इसे ऐसे साइड में लगाएंगे। और अब आप देखिए मैं स्ट्रीट वेंडर की तरह असेंबल कर रही हूँ ये जो मैंने ग्रेवी बना के रखी है। ये देखिए ये जो भाजी की ग्रेवी है इसका जो टेस्ट आता है ना अलग से, यदि आप ये मसाले में और भाजी के साथ भूनेंगे तो उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए मैंने सारी ग्रेवी इसमें डाल दी है। अब क्या करना है, अब एक और इम्पोर्टेंट टिप है, देखिए अब क्या करना है, क्योंकि भाजी हमारी बहुत अच्छी भुन चुकी है, अब हमें ऐसे करना है, इसे बॉयल आता जाएगा और हम इसे धीरे धीरे इसमें मिक्स करते जाएंगे। इनका तवा बिल्कुल ऐसे ही पैन होता है। अब चलिए अब हम पनीर लगाएंगे। चलिए अब ये देखिए हरा धनिया लगाते हैं। आपने देखा होगा उनका जो पैन होता है बड़ा सा वो इसी तरह का होता है। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए रोक लेंगे। ये देखिए क्या मजेदार पाव भाजी भाजी बन के तैयार हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पाव में भी बहुत स्पेशल है, अभी मैं आपको पाव भी सेक के दिखाऊंगी, बहुत ही स्पेशल है वो भी। देखिए अब मैं पाव भी आपको बताती हूँ हम कैसे बनाएंगे। मैंने देखिए मक्खन डाला, मक्खन डालने के बाद ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ी सी भाजी निकाल रही हूँ, ये मैंने भाजी डाली, ये इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए ये देखिए ये ग्रेवी हम ऐसे निकालते जाएंगे, ग्रेवी इसमें हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए जब तक हमारी ग्रेवी बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक हम उसे इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मेरी सारी ग्रेवी इसमें जाके मिक्स हो चुकी है। आप ये देखिए कितनी मज़ेदार भाजी बन के तैयार हुई है। और ये देखिए स्ट्रीट वेंडर तो जब आप खाएं तभी डालें लेमन, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर को तो ख़त्म करनी होती है इसलिए वो सारा भी डाल सकते हैं। पर ये देखिए इस तरह से अब मेरी सारी मिक्स होके तैयार हो चुकी है पाव भाजी। तो देखा फ्रेंड्स आपने चारों मेरे स्टेप, पाव भी मैंने एक अलग तरीके से सीखे। पहला स्टेप हमने सब्जी छौंक के बनाई, दूसरा स्टेप हमने ग्रेवी बनाई, तीसरा स्टेप हमने असेंबल किया लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल टच दिया, और चौथा स्टेप पाव हमने कैसे सीखे भूलना मत। तो आपको ये कैसी लगी
जल्दी से किस शहर से, किस सिटी से, किस जगह से बैठ के देख रहे हैं मुझे लिखना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, खाते रहिए, मिलते रहिए और मेरे साथ आके मिलते रहिए। और एक बात बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करना।